बच्चों को मजाक में किसी के मास्क भी नहीं खींचना है, ना उतारना है, ना किसी का मास्क पहनना है। ये भी जो है वो बच्चों को ख़ुद से ख्याल रखना पड़ेगा और इसके लिए एजुकेशन स्कूल में दी जाएगी। पेरेंट को भी चाहिए कि वो बच्चों को गाइड करें, क्योंकि ये मजाक नहीं है। ये अभी भी जो स्कूल खुल रहे हैं ये मजबूरी के तहत खुल रहे हैं, क्योंकि तालीम का लॉस हो चुका है, और अगर हमने आगे भी मज़ीद बंद रखा तो हमारी जनरेशन बहुत सालों पीछे चली जाएगी। तो ये ज़रूरत को महसूस करते हुए रखा गया है। तो देखिए, मजाक तफरी स्कूल में बच्चे करते हैं, लेकिन कोरोना के हवाले से जो स्कूल बुला रहे हैं तो उसमें हमारी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सीरियसनेस शो की जाए। कैंटीन ख़त्म कर दी गई हैं, स्कूल में नहीं होंगी जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है। सेकंड चीज़ ये कि बच्चे लंच अपने घर से लेकर आएंगे, लंच टाइम जो है वो क्लासरूम के अंदर ही होगा और असेंबलीज़ नहीं होंगी। नेशनल एंथम होगी लेकिन क्लासरूम के अंदर ही होगी। इसी तरह से जो है वो बच्चे जो हैं वो गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये भी जो है पाबंदी की जाएगी। टीचर्स भी जो है वो परमानेंटली मतलब पूरे टाइम जो है वो स्कूल में रहेंगे, और छुट्टी के टाइम भी जो है कॉलिंग की जाएगी और बच्चों को एक साथ नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी बच्चों को फीवर होगा या टेम्परेचर वो नज़ला होगा या कोई भी सिम्टम हम वॉच करेंगे, तो उसके बाद फिर उस बच्चे को ऑब्वियसली फिर घर भेजा जाएगा या फिर अंदर जाने से रोक लिया जाएगा। इसलिए ताकीद की गई है वैन ड्राइवर्स को और पेरेंट्स को कि जब तक बच्चा स्कूल विसिनिटी के अंदर एंटर ना हो जाए, जब तक आप ना जाएं, क्योंकि अगर कोई फीवर में मुबतला है, फ्लू में मुबतला है बच्चा, तो उसको फिर स्कूल ऑब्वियसली फिर नहीं बुलाया जाएगा, तो उनको फिर वही पेरेंट या ट्रांसपोर्ट के थ्रू वापस घर भिजवाया जाएगा। 15 सितंबर से 9-10 आएगा और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जाएंगे। उसके बाद जो है वो 21 सितंबर से जो है वो क्लास 6 ग्रेड से लेकर और क्लास 8 तक जो है ना बच्चे आएंगे। उसके बाद जो है वो क्लास 5 से डाउनवर्ड जितनी भी प्री प्राइमरी है और प्राइमरी है वो क्लास 28 से जो है स्कूल आनी शुरू होगी। तो SOPs जो है वो जो स्कूल ने मुरतब किए हैं गवर्नमेंट के साथ, वो यही है कि बच्चों को मास्क पहन के आना है, सैनिटाइजेशन स्कूल्स के अंदर की जाएगी और बच्चों को डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जाएगा, और डिस्टेंसिंग भी इसी तरह होगी कि हाफ क्लास को एक वक्त में बुलाया जाएगा और हाफ क्लास जो है वो नेक्स्ट डे बुलाई जाएगी या शिफ्ट वाइज बुलाई जाएगी। वो स्कूल के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है, स्कूल जैसे बेहतर समझेगा वैसे करेगा, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर सेंस जो है वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है स्कूल को। अब चाहे वो शिफ्ट में बुलाए या फिर ऑल्टरनेट डेज में बुलाए, तो वो स्कूल पे डिपेंड करता है।